सो चिल्ड्रन, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक में क्या होमवर्क करना है. ओके तो आपके पास ऐसी हिंदी की बुक होगी. ये बुक में आपको पेज नंबर 2 ओपन करना है. ओके ये है पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 में या फिर जब भी मैं आपको होमवर्क दू तो वो होमवर्क में आपको ऊपर डेट लिखनी है. यहाँ पर आपको डेट के लिए स्पेस दी हुई है, तो आप यहाँ पर पहले डेट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे HW. ओके फिर यहाँ पर आपको दिया है अ से अह तक पूरा कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको पूरे स्वर दिए हुए हैं, बस वही आपको यहाँ पर नीचे नीचे लिखने हैं. ओके नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में भी सेम, पहले आप डेट लिखेंगे, फिर यहाँ HW लिखेंगे और देन दिया है क से ज्ञ तक पूरा कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको पूरी वर्णमाला लिखनी है. जैसे क दिया है तो क के बाद क्या आता है, ख, ख के बाद ग, ऐसे आपको पूरी वर्णमाला कंप्लीट करनी है. ओके नाउ आपके पास हिंदी की 4 नंबर की बुक है, जिसमें मतलब कि वो 2 लाइंस वाली बुक है. ओके तो उसमें आप राइटिंग क्या करोगे, तो आपके पास ये परिवेश है, उसमें पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 में आपको 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्ण वाले शब्द दिए, तो आपको क्या करना है, एक पेज में ऊपर डेट लिखनी है, HW लिखना है और फिर हेडिंग डालना है 3 वर्णों वाले शब्द. ये हेडिंग के नीचे आपको 3 वर्ण वाले ये सारे शब्द 1 टाइम लिखने हैं. ओके जैसे ही ये फिनिश हो जाए तो नेक्स्ट पेज में अगेन डेट लिखनी है, HW लिखना है, हेडिंग लिखना है 4 वर्णों वाले शब्द. हेडिंग के नीचे आपको ये सारे 4 वर्ण वाले शब्द 1 टाइम लिखने हैं. ओके तो आपको समझ आ गया, एक होमवर्क आपको नोटबुक में करना है और एक हिंदी की वर्कबुक में. ओके अंडरस्टैंड.